कैसी है? दे 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 बिल्कुल ठीक है, पक्की बात है। इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई आज? इतनी एनर्जी आ गई है। कैसे हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक और आप ठीक होंगे? आज अच्छा मैंने आपको दिखाना था एक छोटा सा जुलम, ठीक है। ये व्यूज कितने हैं वीडियो के ऊपर? 10K, 9.5K, ठीक है, 11K। ये देखे कितनी चीटिंग है। सब्सक्राइबर कितने हैं? 4040। अभी तक जाके आप लोगों ने लिटिल रेनबो को सब्सक्राइब नहीं किया। सब लोग देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और देखिए इतनी मजे की, इतनी एंटरटेनमेंट, और अभी भी वीडियो रेडी हो रही है आयशा की नेक्स्ट। ये देखे कितनी मजे की वीडियो है। ये देखिए यार, बहुत मजे की। हम तो खुद बैठे हुए 10 बार देख रहे थे। जिन्होंने अभी तक लिटिल रेनबो का सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाएं जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तो माशाल्लाह आयशा को पता है उसके चैनल का नाम है लिटिल रेनबो। एक बात है, उसमें इतनी ज्यादा मेहनत होती है। पहले नंबर पे आयशा की, फिर मेरी, और फिर अक्सा की, हम दोनों एडिटिंग कर रहे थे। बहुत मेहनत वाला काम है। और वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है, उससे नेक्स्ट वीडियो भी, एक लेटेस्ट वीडियो भी आ गई है। अभी जाएं आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके देखिएगा वीडियो को। अभी हम लोग अपने कर्टन वगैरह यहाँ से निकालने हैं। एक्सा ने ब्लैक वाले निकाल लिए और वो दूसरे भी दो निकाल लिए। एक्सा लाइन को लगा के वहाँ पे सेट करते हैं। जो हमारा लास्ट वाला ब्लॉग देखा है तो उनको तो पता होगा कि हमारे रूम की जो आयशा के रूम की है ना, उसकी सेटिंग चल रही है। तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पे कर्टन वगैरह जो है ना वो भी लगा लेते हैं। और बड़े सच्ची बात मैं आपको बताऊँ ना, इस टाइम एड़ियाँ फुल दर्द कर रही हैं, फुल पेन कर रही, क्योंकि सारा सामान बाहर रखा है, ड्राइंग रूम वाला ड्राइंग रूम में रखा है। और अब इसको उठा के अंदर लेके आना है और फिटिंग करने की हिम्मत देखते हैं मेरे साथ क्या बनता है। मैं कर सकता हूँ, मेरे लास्ट वाले घर में तो आयशा के रूम के थे 4 कर्टन्स, क्योंकि वहां पे 2 विंडोज थी, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 2 कर्टन हमारे पास बचे हैं ब्लैक, अब ये यहाँ पे पूरे आते हैं। अगर ना पूरे आए तो अपने वाली सेटिंग पहले वाली वापस ले आएंगे अपने रूम के। जब भी मैं किसी साइड पे कर्टन लगाने लगता हूँ, मैं साथ दुआ करता हूँ कि बस टाइट ना किया हो, और ये भी टाइट नहीं है, ठीक है इतना। मुझे वैसे ये वाली साइड ज्यादा लूज लग रही थी, ठीक है। अब ये कर्टन ये मैं सीधे करके देती हूँ। हमने तो सोचा था हमारे ये वाले कर्टन यहाँ पे सेट हो गए, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ना है चेंज। और हमने सोचा कि हमने रजाई भी उतार देनी है। हाँ। लेकिन रजाई उतारने से पहले हमने कोई पेपर वगैरह लेके आना है, पूरी विंडो पे लगाना है, उसके बाद रजाई उतारनी है हमने। क्यों लगाई हुई है? पहले भी वैसे मैंने ब्लॉग में बताया था कि रोशनी बहुत आती है, हमारे बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं, फिर हमें भी उठा देते। सुबह सुबह कितने बजे दिल करे, 6 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, जिस टाइम रोशनी अंदर आई ना, उठ गए इनको लगता दिन हो गया हुआ है। बहरहाल इसका जो मैंने फिर हल सोचा ना, वही करेंगे, कोई पेपर शेपर लाएंगे ब्लैक कलर का, विंडो के ऊपर लगा देंगे। वैसे भी हवा वगैरह की कमी चाहिए होती है, तो फिर विंडो कवर कर देंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ एक ही उतारे, एक हाँ एक ही उतारे, उसका उधर एक ही कमी है बस। पुराने वाले घर में वापस जाने लगे हैं, सारी पैकिंग दोबारा, शिफ्टिंग सारा कुछ दोबारा करने लगे हैं, ठीक है। आज बॉक्स पैक करते हैं। आयशा को मैं जान के तंग कर रहा हूँ, पहले तो लगाते। एक बात देखिए, हमने विंडो खोली, ये कमरा कितना ठंडा है। एक बात समझ नहीं आती, असि 2 पर्दे लाने हैं, फिर बैठ जाने, फिर खड़े होके कुछ करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये क्या सीन है, थक जाते हैं, एड़ियां दर्द करने लग पड़ती है। पहले कर्टन अभी उठा के लेके जाएंगे, दोनों बने हुए हैं, ये जाके अपने रूम में वापस लगाते हैं, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं कि बेड की सेटिंग हम किस साइड पे करें, तो आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताने। अभी हम आपसे पूछते हैं कि बेड किस साइड पे सेट होना चाहिए, अलमारी किस साइड पे सेट होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कहां पे सेटिंग ज्यादा अच्छी लगेगी। पहले जी हम 2 दीवारों का नाम ले लेते हैं, ये है द्वार नंबर ए, ये है द्वार नंबर 2, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि द्वार नंबर बी, ठीक है ना, 2 भी चलेगी, सही है, ये भी है। बेड हमें इधर सेट करना चाहिए या हमें इधर सेट करना चाहिए? अक्सा कह रही, अक्सा भी कह रही, मैं भी सोच रहा था कि हम वैसे जो सा बेड है ना वो इधर सेट कर लेते हैं, या तो दरमियान में कर लेते हैं, या एक साइड पे करके ना एक साइड पे साइड टेबल रख देते, क्योंकि आयशा का बेड जो है सिंगल साइड टेबल वाला है। तो या तो इधर बेड आ सकता है या इस दीवार पे आ सकता है। हाँ, अगर साइड टेबल 2 होते ना, फिर तो क्या ही बात थी, फिर तो सही बन जानी थी सेटिंग। लेकिन अब आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना, तो फिर इस रूम की सेटिंग होनी है। अभी हम लोग अक्सा के रूम में आ गए हैं, अक्सा के रूम में आ गए हम लोग, अक्सा के रूम में आ गए, सेटिंग करने लगे अक्सा के रूम में कर्टन की, अक्सा के रूम में। आयशा के रूम से निकल के हम लोग अक्सा के रूम में आ गए हैं। क्या आज क्यों रही है? अक्सा के रूम में आ गए हम लोग, सेटिंग करने लगे अक्सा के रूम में। हाँ जी, उठ गए हैं आप, नीनी पूरी कर ली है, पूरे उठ जाओ, पूरे उठ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा आपके बगैर, उठ जाओ उठ जाओ। क्या आपका बच्चा ही उठा रहा हूँ मैं, कौन सा कुछ गलत कर रहा हूँ? जब रोने लग गया ना फिर देखना। अपनी दूसरी बच्ची किधर है पहले ये पता चले, किधर गई है, कर क्या रही है। इधर ठीक है, ठीक है, इजी रहो, कोई मसला नहीं, आप रहो रूम में, टेंशन नहीं है, इजी रहो आप, कोई नहीं मसला। फाइनली जी यहाँ की सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है। आयशा के रूम से हमने 1 कर्टन उधारा लेके दरमियान में 2 ब्लैक कर दिए, साइडों पे ये कर दिए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं वैसे, माशाल्लाह अच्छे
अच्छे लग रहे हैं। अभी सोचा ये है कि सुबह का दिन बस बर्दाश्त करेंगे, कल मैं जाऊंगा जाके मैं ब्लैक कलर के चार्ट्स ले आऊंगा या गत्ता वगैरह जो भी चीज मिले ना ले आऊंगा, वो लाके लगा देंगे फिर सेट हो जाएगा बिल्कुल। अभी हम लोग अपनी रजाई जो है ना फोल्ड करके इधर रखने लगे, बाकी ब्लैंकेट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा चीजें ना वो यहाँ पे रख लेते हैं। और कभी कभी मौसम अच्छा होता है या फॉर एग्जांपल वैसे बंदे का विंडो खोलने का दिल करता है, ये आगे लगी हो तो विंडो भी नहीं खुल सकती, विंडो नहीं खुलती और जो फ्रेश हवा है ना वो रूम के अंदर नहीं आती। अब ये होगा वो शीट्स लगेगी और रूम भी जो है ये विंडो खुल जाएंगी। अब ना अली अपना टैलेंट दिखाने लगे हैं, देखते हैं अंदर जाते हैं या नहीं जाता। कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। 1 2 3 आ गया बाहर आ गई दोबारा, ठीक है सेकंड ट्राई, ये हम खेल रहे हैं वैसे। आराम से गिराना ना फिर अंदर चली जाएगी। बिस्मिल्लाह, वाओ ये तो अंदर रखी गई है, बस ठीक रखी गई, किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक रखी गई। नजर पड़ी किसी चीज पे? नहीं पड़ी, नहीं पड़ी। ये देखें किधर सजा के चीजें जो है ना इधर रख गई है, अपना वो है ना उसका अपना कमरा है, यहाँ पे भी रख गई है और ये देखें ये यहाँ पे रख गई है। हम अपनी सेटिंग कर रहे हैं, वो अपनी सेटिंग कर रही है। हम वहां से सामान उठाने लगे आपका जो आपने शेल्फ पे रखा है, उठा दें, उठा देते हैं। वो खूबसूरत नहीं लग रही सेटिंग, वो देखो देखो तो लग किस तरह की रही है। ना जी नहीं उठाना। अक्षा पकड़े पकड़े, अक्षा पकड़े पकड़े पकड़े। अच्छा ठीक, ये मामा ये पकड़े, वो यहाँ से बचाओ 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 मामा वो पकड़ी है। अच्छा ठीक है, क्या करते हैं आज के दिन में इतने काम करने के बाद अभी अक्सा लेके आई है समोसे। आयशा भी समोसे एंजॉय कर रही है, कैसे लग रहे हैं? सुरूर, अच्छा सुरूर आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस में डिप कर रही हो आप? इसको मुझे लगता है मीठी वाली पसंद है ना। बाकी आयशा ने अपना टैब रखा हुआ है, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को लेके देना तो जरूर लेके दे, ये बड़ी सही बात है, इंटरेस्टिंग इन चीज है, डिलीट भी हो जाता है। आपने बच्चों को ABC सिखानी हो, ये देखे ए बी सारा कुछ मैं उल्टे हैंड से लिखा हूं, इसलिए गंदी राइटिंग हो रही है। अक्सर यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश कर रही है और यहाँ पे अक्सर ने ऑयल वगैरह डाल के रख दिया। अक्सर ये तो तकरीबन वो क्या कहते हैं बबल्स बनने लग पड़े ऑयल के, तो मैं बिस्मिल्लाह करूँ फिर? प्लीज 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 प्लीज, मैं कुछ नहीं, मैं ब्रेक ब्रेक पकौड़े बनाऊंगा, आप देखें तो सही, एक दो ट्राई तो कर लेते, ऑयल देख लें, ऑयल काम तो नहीं लग रहा। ठीक है पहले ऑयल तो देख लें, ऑयल काम तो नहीं अंदर। ये जी काम तो बहुत रिस्की है लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं, कुछ नहीं होता, ब्रेक ब्रेक डालने की पूरी कोशिश करेंगे। पकौड़ा देखो जरा, बिस और ऑयल मुझे ठंडा लग रहा है। नहीं नहीं फूल गर्म है, वो देखे सड़ गया पकौड़ा बल्कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे तो पकोड़े जो है ना वो तैयार हो गए हैं, एक स्टॉक जो है मैंने अंदर डाल दिया। अब चेक करें, अब तो बिल्कुल ठीक ब्रीक ब्रीक डले हुए हैं और अभी आपकी रोटी बनाने वाली रहती है। और पकोड़ों का सीन जरा चेक करें, आप देखते हैं एक दफा थोड़े से फ्राई हो जाए फिर पता चलेगा कि ब्रीक बने हैं या मोटे बनाए हैं। अब ये चेक कर खाएगी तो बक्सा पता चलेगा। अभी जी ये पकोड़े मैंने रेडी किए, एक साथ देखे जरा ब्राउन तो नहीं हो गए ज्यादा, चेक करें जरा। बाकी चलो खैर है, हम नहीं खाने हैं, कोई नहीं मसला, सही इतने भी ज्यादा डार्क नहीं है, ठीक है। और साथ हमारी जो है रोटी बनाने की तैयारी भी चल रही है और लास्ट मतलब पकौड़ों का मैंने क्या कहते हैं स्टॉक अंदर डाल दिया और दोबारा रेडी करने के लिए। कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें से, खाली है फ्रिज। मम्मा कह रही अभी रायता खाने का दिल कर रहा है, साथ केचप पड़े हुए हैं, काफी केचप भी पड़े हुए हैं और चिली भी पड़ी हुई है। अभी चूल्हे का ये सीन है कि गल थोड़ी है, बधा बोती देनी है, हैं? थोड़ा सा इसको खोला हुआ है, आग इसकी ऐसे निकल रही है और सेक इसका है कोई नहीं, नहीं फिर बिल्कुल ही नहीं लगती, इससे थोड़ा सा कम ही रख ले, बहुत ही बाहर निकल रही है। और याशा यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो मैंने दिखा दी ना केचप चिली सारा कुछ पड़ा हुआ है, अब बस उनको निकाल निकाल के देखी जा रही है, अब अपनी मर्जी का निकाल। ये चाहिए खाने लगी हो, खा लो केचप खाने लगी आपकी बच्ची, वो कौन सा खुला हुआ बंद है। खाना वगैरह खा के अभी हम लोग फ्री हुए हैं। अब्दुल्ला को क्या हुआ है? मामा ही आ जा रही है, आइसक्रीम आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम मामा बर्तन वॉश करिए, आइसक्रीम खा लो खा लो, आ लो ये लो आपकी आइसक्रीम, बोल आप तो पहले ही आइसक्रीम खा रही हो, एक ये आइसक्रीम हमारी पड़ी है, दो हमारी आइसक्रीम ये पड़ी है। ये आइसक्रीम का ये फायदा है कि ये बैड खराब नहीं करती, मतलब किसी चीज के साथ नहीं लगती। खाने के बाद हमारी इंटरटेनमेंट भी रेडी होगी, चाय हमारी तैयार होगी, साथ हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो गया। क्या बात है बेगम, सही बात है, खुशबू कितनी मजे की आ रही है। क्या खाना है क्या खाना है? इसको नहीं देना ठीक है, इसका कैंसिल कर दे पॉपकॉर्न, इसको तो बिल्कुल नहीं आपने देने पॉपकॉर्न, ठीक है ओके ओके।
हाल है ना? आपको कैंसिल है, आ रही है। मेरा किस बात से कैंसिल? मेरा किस खुशी में कैंसिल है? आपका कैंसिल ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, मेरा नहीं कैंसिल।